14.4 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेंद्रीकरण 1970 के बाद भारतीय राजनीति में अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा था केंद्र सरकार एक ओर अपना आर्थिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा रही थी और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रही थी दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भी इंदिरा गांधी अत्यधिक शक्तिशाली बनती जा रही थी और क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर होते जा रहे थे ऐसे में राज्यों के स्थानीय लोग अपनी आकांक्षाओं के विकास में अवरोध महसूस कर रहे थे जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश पंजाब असम आदि राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही थी कुछ राज्यों में तो केंद्रीकरण की नीतियों को संवैधानिक ढांचे के अंदर चुनौती दी गई मगर कुछ राज्यों में संविधान और भारत की एकता को ही चुनौती दी गई इस विषम परिस्थिति का हल किस तरह निकला हम दो उदाहरणों से समझेंगे 14.4.1 पंजाब में आंदोलन पंजाब के बहुसंख्यक लोग सिख धर्म को मानते थे और स्वतंत्रता के बाद बहुत से सिखों को लग रहा था कि उनकी उपेक्षा हो रही है पंजाब प्रांत में हरित क्रांति के चलते सिख किसानों के समक्ष विकास के मौके बढ़ रहे थे मगर उन्हें लग रहा था राजनीतिक स्वायत्तता न होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सिखों का एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन था शिरोमणि अकाली दल जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व तो किया पंजाब आंदोलन की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी पहला संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों के लिए अधिक अधिकार दिए जाए दूसरा चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए तीसरा सेना में सिखों को अधिक संख्या में भर्ती की जाए चौथा पंजाब को भाखड़ा नांगल बांध से अधिक पानी दिया जाए इन मांगों पर जोर डालने के लिए अकाली दल ने 1978 में आनंदपुर साहब प्रस्ताव पारित किया इसमें मुख्य रूप से पहली दो मांगों को जोरदार ढंग से उठाया गया और साथ ही सिखों के वर्चस्व स्थापित करने और सिख राष्ट्र की बात हुई अकाली दल ने इन मांगों के समर्थन में 1978 के बाद समय समय पर धरने प्रदर्शन तथा रेल रोको आंदोलन जैसी गतिविधियां शुरू की एक सिख धर्मगुरु जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने अधिक तीव्रवादी विचारों का प्रचार शुरू किया 1978 से धीरे धीरे भिंडरावाला ने आतंकवादी गतिविधियां शुरू की तथा स्वर्ण मंदिर के एक बड़े हिस्से को कब्जे में लेकर किलेबंदी कर ली जून उन्नीस में इंदिरा गांधी सरकार ने निर्णय लिया कि सेना की मदद से स्वर्ण मंदिर परिसर के किलेबंदी को तोड़कर अलगाववादियों पर काबू पाए स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही में 500 से अधिक लोग मारे गए इस कार्यवाही को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिखों की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई क्योंकि उन्होंने माना कि सरकार ने उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल को अपवित्र किया इसका सबसे गंभीर परिणाम एक सिख अंगरक्षक द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या थी इंदिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में देश के अनेक भागों में सिख विरोधी दंगे हुए जिनमें हजारों लोगों की जाने गई इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी उन्नीस में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली राजीव गांधी ने पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जुलाई उन्नीस में अकाली दल के साथ समझौता किया जिसे राजीव लोंगोवाल समझौते के नाम से जाना जाता है इस समझौता के तहत पंजाब को चंडीगढ़ देने और अन्य मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का ठोस आश्वासन दिया गया पंजाब में चुनाव कराए गए जिसमें अकाली दल जीतकर सरकार बना पाई इसके बाद धीरे धीरे पुलिस कार्यवाही द्वारा आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण किया गया